हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो हमारा सेशन शुरू हो चुका है, हमने तैयारी शुरू कर दी। देखिए होता क्या है, बाद में बच्चा जब एक दो महीने में तैयारी करता है आरएमएस की, सैनिक स्कूल की, तो बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, कर नहीं पाता। तो धीरे धीरे से तैयारी शुरू होगी और फिर वो पेस पकड़ेगी, तभी जाके मिलिट्री स्कूल में, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम और सर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा हमारे, और डिस्कस भी करेंगे कहाँ कमी रह जाती है बच्चों में तैयारी में। और ये पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा क्योंकि ये इसमें कमी सर कहीं ना कहीं रह जाती है। ठीक है जी। जैसे हमारा बहुत ही प्यारा होनहार बच्चा हमारा, ठीक है, अंश हमारा बहुत ही प्यारा होनहार बच्चा, 108 ही नंबर रह गए बच्चे के, कहीं तो कमी रही होगी। लेकिन इस बार 260 हो जाएंगे, पर उसके लिए अभी से मेहनत करनी होगी। जी सर, क्यों सर? जी जी, इसमें सर आज हमने इन्हें टेस्ट दिया है। हाँ हाँ, टेस्ट नहीं, मैं तो इसे थर्मामीटर कहूँगा। थर्मामीटर जाए, राइट, जी, राइट। जी जी, मतलब ये अभी हमारे पास बीमार बच्चे आए हैं। जी जी, पहले इनका बुखार नापा जाएगा, राइट, कितने की हमें दवाई की आवश्यकता है, कितने की आवश्यकता है, हाँ। कितना बुखार है इन्हें, कितना बुखार? आज इन्हें सर टेस्ट दे दिया है, ये हमारा अकेडमी का पहला टेस्ट है। टेस्ट है, सही बात है। इससे सर ये पता चलेगी किस बच्चे में क्या कमी है। हाँ हाँ, देख लो भाई, ठीक है सर, उसके अकॉर्डिंग डिफेंस एकेडमी टॉपिक टेस्ट 1 ये चला गया। जी जी, ये चला गया पहला। जी सर, इसके बाद सर फिर बच्चे पे काम होगा, फिर काम होगा जी। हाँ हाँ, जब ही सर रिजल्ट निकल के आएगा। हाँ सर, देखो जी जी, 108 नंबर लाया था, बहुत ही होनार मानी हुई एकेडमी से, ठीक है, लेकिन सबने कह दिया कि नहीं ये कमजोर बच्चा है, आलसी, चलेगा ही नहीं, तो करे, और ये बच्चा अपने आप ही चलेगा। अब सारे बच्चे हमारे अपने आप चलेंगे, सब अपने आप ही सिलेक्शन देंगे। 260 270 इनके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा स्कोर साबित कर देंगे मुझे लगता है जी, क्योंकि सर ये तो इन्होंने। और भाई मैं बता दूं आपको, जो ये कहते हैं कि अरे अभी तो सोचेंगे देखेंगे, वो मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में जाने का सपना उनका सोचने में ही देखने में ही रह जाता है, फिर वो जा नहीं पाते सर आगे। सर मान लो जैसे अभी हम इन पे काम कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ, अब हम दोबारे से उन पे वो तैयारी जितनी अच्छी एक बार में हो जाएगी, हालांकि हम उन पे भी प्रयास करेंगे पूरा, अगर जो बच्चा अभी से जुड़ जाए तो सर ये उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनका कॉन्सेप्ट एक साल में 2-3 बार क्लियर हो जाएगा। आप एक बात भी तो देखो जी, कोई मिलिट्री स्कूल के पेपर में कोई बहुत लंबा समय थोड़ा ना है। नहीं सर, 7-8 महीने का समय तो है सर। सर इस बात को सर आप और हम ही तो समझ रहे हैं, पेरेंट्स तो नहीं समझ रहा। नहीं समझते सर, कुछ समझते हैं जी, इन बच्चों के पेरेंट्स ने भी समझाई है सर। जी भाई, इन्होंने भी तो समझाई है, हमारा बच्चा पूरी मेहनत कर रहा है, अड़ गया, देखो पूरा अड़ गया, अड़ गया बेटे, ऊपर देखो, यहाँ रख के कॉन्फिडेंस के साथ, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो देखियो भाई, ये इस तरह से चीजें होती है। आपको सारे बच्चे भाई देखो ऊपर रख के करेंगे, ऊपर कॉपी नोट को रखो बहुत ही तसल्ली से, खाली खाली जगह में, कॉपी में पूरी जगह छोड़ के, एक साथ नहीं करना। देखो बच्चों को ये सारी चीजें पता नहीं होती, इनको छोटी छोटी बातें हमें बतानी होती है, अपने आप ही हाथ से सारी चीजें सर करानी होती है जी, क्योंकि सर देखो बड़े वाला एग्जाम तो है नहीं, बच्चों का एग्जाम है, इनको तो समझाना पड़ता है सारी चीजें जी। तो अब जैसे सर ये प्रैक्टिस, आपने टॉपिक टेस्ट 1 ले लिया है पहला जी सर, फिर इससे क्या रणनीति आप निकालेंगे आगे की? इसे सर एक बच्चे, सभी बच्चों के अलग अलग कॉपी चेक होंगी, तो एक उस बच्चे में क्या कमी है ये टेस्ट बताएगा। अच्छा, सभी बच्चों का अलग अलग, उसके हिसाब से सर जो बच्चा टॉपर है, कुछ मीडियम है, उस हिसाब से फिर हम बैच बना लेंगे, ठीक है, और उसी तरीके से फिर हम उन पर काम करेंगे। सर ऐसा तो नहीं, आप ऐसा तो नहीं कर दो, आजकल एक नया सर वो ढंग चल रहा है कि आपने सेक्शन तो बांट दिए इनके, ABCD, EFGH, IJKL, जी जी, ठीक है, और L वाला चला गया आखिरी तक, जब वो पेपर हुआ साल हुआ जी, तो L वाला चला गया जड़ में। सर कहाँ चला जाएगा L वाला? जड़ में चला जाएगा सर, जड़ में। नहीं सर, ABCD, EFGH, IJKL, MN, O, PQR तक, कितने तक? ऐसा तो नहीं करोगे? 3 सर, 3 तीन बैच, और वो भी सर शुरू के 2 महीने तक, 2 महीने में हम सबका एक ही लेवल कर देंगे सर, ठीक है, ठीक है, चाहे हमें कितनी भी प्रैक्टिस सेट देने पड़े, कितनी भी प्रैक्टिस करानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, पेरेंट्स ये जब 3 महीने बाद या 2 महीने बाद देखेंगे वीडियो, तो उन्हें देखने को मिलेगा कि कोई भी अलग वो नहीं है, सेशन नहीं है, एक ही सेशन बना दिया, एक ही सेशन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर देखो सी सेक्शन में तो हमारा बच्चा ये भी ऐसा सी सेक्शन में था सर, ये सी में रह गया। मैं बता दूं आपको, ये एक एकेडमी में बच्चा पढ़ा और सी में गया और सी में ही रह गया। देखो इसलिए सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहीं ये सी में बांट के आप सी में मत रख देना सर उसको। नहीं सर, उसमें मैं चाहता हूँ कि उसका स्कोर भी एकदम, सेक्शन बांटने वाला खेल तो है लेकिन इसमें काम भी होना जरूरी है। कर रहा है भाई, देखें क्या इसमें
कुछ जमा तो रहा है सर, क्वेश्चन जमा तो रहा है, अच्छा जमा रहा है। क्वेश्चन अगर जमा रहा है तो फिर तो बढ़िया बढ़िया अच्छा है। क्वेश्चन अगर बच्चा जमाना सीख गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जम रहा है भी प्रद्युमन, क्वेश्चन जम रहा है बेटे जम। देखो सर ये तो ये बता देता है सर बच्चा कितना कितना है, ये चीज बता देती है ना कि मतलब कर रहा है। हाँ, स्लिंग मिस्टेक अलग है लेकिन करने की प्रक्रिया है, वो सीख रहा है, बताती है। मतलब सीख सकता था पीछे से नहीं सीख का। तो देखो हाँ वो तो है ही सर। देखो भाई देखो हमारा तो हम तो बार बार एक बात कहते हैं कि नॉर्मल बिलो एवरेज बच्चा जिस बिल्कुल जो टिक चुका है वो हमारे पास आ जाना, हम उस पर उसको टॉपर बनाना चाहते हैं। और टॉपर बच्चा को हम कहते हैं कि भाई उसको जैसे भी उसको करना वो अपने हिसाब से कर ही सकता है, टॉपर बच्चा तो घर से भी कर लेगा। लेकिन सवाल है जो बच्चा कुल मिला के उसका बेसिक खिल गया वहाँ दिक्कत आती है सर, वो दिक्कत। इसमें सर मैं अपनी तरफ से जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें एक चीज दिखाना चाहूंगा। हाँ जी जी। दो बच्चे हमारे पास आए वो बिल्कुल वीक थे सर। हाँ, जोड़ घटाओ नहीं आ रहे। जी जी। मैं दिखाना चाहता हूँ। आओ भाई बिल्कुल। देखो हम एक प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहते हैं ना सर, ये पेरेंट्स को दिखा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो बच्चे को भी आगे निकालेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हमारे दो बच्चे हैं, हालांकि इतना बता दूं मैं ये भी एक एकेडमी से आए हैं। हाँ ये ध्यान रखना हमारी बच्ची ये दोनों अब पेरेंट्स है। हाँ। दो बच्चे हैं, दो की अलग क्लास चल रही है, मैम अलग ले रही है, मतलब हाँ, दो बच्चों के लिए टीचर है। अगर आप देखोगे ये ऐसा नहीं है कि कमजोर है, हम इनको भी 240 ये क्या सवाल है सर, ये वो है सर माइनस के हैं, ये तो जोड़ने घटाने वाले सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो अभी बच्चे को आए हुए पांच दिन हुए हैं और पांच दिन में सर ये कॉपी बढ़ और बहुत ही मस्ती से, देखो मैं बता दूं एंजॉयमेंट के साथ ही कर रहे हैं, इन पे कोई किसी प्रकार की मस्ती करते हैं, खेल भी करते हैं, कूदते भी हैं, दोस्ती भी इनकी हो चुकी है, इनका मन भी अच्छा लग गया, एंजॉयमेंट मतलब सर एक पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर बच्चे का बन गया ना। जी जी। देखो एक तो बर्डन है बच्चे गेम्स, बच्चा क्यों खेलता ज्यादा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है ना, यही तो है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है इनके लिए भी एक गेम बन चुका है, ये गेम है सर, इंटरेस्ट ले रहे हैं जब भी तो सर इतना कॉपी भर रहे हैं, जब भी तो कर रहे हैं। तो भाई देखो ऐसी ऐसी ऐसे तैयारी मुझे लगता है कि ऐसे तैयारी का तरीका है। तो जो पेरेंट्स से हम कहते हैं ना कि जीरो वाला बच्चा या आपकी जहाँ भी आपने कोचिंग कराई थी बच्चे को और वहाँ उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, आपने 100 का भेजा था, आपको 150 नंबर का झुंझुना दे के भेज दिया, टेंशन मत लेना, घबराना मत, क्योंकि हम तो आए इस प्रोफेशन में इसीलिए है क्योंकि हमें तो बच्चों से एक लगाव है, उनका हाथ पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं ए सेक्शन वालों का झोला टा लेकर चल दिए और बाकी बी सेक्शन डी सेक्शन ई एफ जी एच आई जे के 11 तक ना उनको उनसे पैसे ले लिए, नहीं बिल्कुल नॉर्मल लो लेवल का बच्चा हमारे पास आना, उसको हम देंगे टॉपर करके, और जो टॉपर है उसको वो जैसे उसकी मर्जी है वो ऐसे तैयारी कर सकता है, वो फ्री है। लेकिन सर कमजोर बच्चों का सर हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है, यकीन मानो सर एक है सर हम तो है सर, हम तो सर हम तो उस कैटेगरी से अपने आप को बाहर मानते हैं। लेकिन जनरली पता क्या कहते हैं सर कमजोर बच्चों को, अरे नहीं 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 इसका नहीं होने का, छोड़ दो इसको। सर एक बात बताइए आप। हाँ? इस बच्चे को कौन ले लेता बताओ, कोई भी नहीं ले। और सर एक बात बताओ फिर दूसरी बात ये, फिर टीचर का क्या फायदा भाई, फिर टीचिंग का क्या फायदा फिर आपका, मतलब मैं ये कहना अगर आप इस बच्चे को नहीं काम कर रहे जी, आप टीचर किस बात के, ये सही बात है सर भाई, टीचर का काम ही सर। हमारे पास एक अजनर बैठा है जिसके 108 नंबर है सैनिक स्कूल में, एक अच्छी अकेडमी से आया, बहुत अच्छी से 108 नंबर आए, सोचो आप, उसका स्कोर कार्ड खोल लूंगा मैं लाइव, क्योंकि जब एकेडमी में किसी कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके 260 का स्कोर तो सब खोल दे सर। जी जी। कि 260 कर दिया हमने, 270 कर दिए है ना, जी। माला भी डाल देते हैं उस 108 वाले बच्चे के गले में, कोई माला डाले मैं डालूंगा, जिस दिन स्कोर कार्ड आ जाएगा सर हम डालेंगे उसके लिए। और इस बार 250 प्लस नंबर उसने खुद कह दिया, हमने नहीं कही अब तक, वो बच्चा खुद कह रहा है कि सर 250 प्लस तो मेरे से ले लो, मेरा इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ गया, उसको सारी चीज़ें वो करने में जुड़ गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी आएंगे आ रहे हैं, जिनको जो बच्चे कमज़ोर थे, जो पेरेंट्स सिंसियर थे, उन्होंने अपने बच्चों को अपना कह दिया कि सर इनको निकालो, नहीं तो इनका अगर क्वांट ही नहीं है, इनका एप्टीट्यूड ही नहीं है, इनका एलिमेंट्री मैथ्स ही नहीं है, तो फिर ये बच्चा बारहवीं करने तक तो सब खेल ही ख़त्म हो गया। अभी बच्चा स्पोर्ट्स में वो है नहीं, सही सारे बच्चे स्पोर्ट्स में तो जा नहीं सकते, हमारे यहाँ पे तो भाई 99% 1% ही बच्चे जाते हैं, 2% 3% 5% 94% तो क्या है, बारहवीं करने के बाद वो कोई ना कोई जॉब की तरफ चलते हैं, यही होता है। तो ऐसे में उनके लिए सर एक बेसिक सी चीज़ तो होनी चाहिए, एलिमेंट्री मैथ्स होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन उनकी ठीक होनी चाहिए, एप्टीट्यूड ठीक होना चाहिए, और यही वो टाइम है जब वो ठीक हो सकता है। तो बस यही हमारा काम है, और इस बार हमने बिल्कुल हम हर साल ऐसे ही करते, चाहे संडे हो मंडे हो, हम बच्चों के बीच में एक बैलेंस रख के चलते हैं, तैयारी भी उनको अच्छी कराते हैं, उनको खेल भी अच्छा कराते हैं, उनका
उनका न्यूट्रिशन भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, कमांड इंटरेस्ट के साथ उनको अच्छा लगता है। इसी तरह से वो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिखाया, हमने पहले साल भी दिखाए थे और इस साल भी दिखा रहे हैं। लगभग सर मुझे लगता है कोई भी ऐसा दिखाता है नहीं सर। क्या दिखाते हैं? पार्टी, पार्टी, डांस, डांस, केक, केक, यार क्या है वो सर, वो चल रहा है आजकल गार्डनिंग, जी गार्डनिंग चल रहा है सर। एक अभी ट्रेंड है, मैं बताऊँ सर अभी क्या है, अभी एकदम नोटिफिकेशन है माउंट आबू एडवेंचर कैंप, माउंट आबू एडवेंचर कैंप, और क्लास नहीं दिखाएंगे है ना, वही तो सर माउंट आबू एडवेंचर कैंप, कैंप बताओ क्या क्या होगा उस कैंप में, आप 5-7 हज़ार रुपये आपसे लेंगे कैंप के, बस फिर दिखाएंगे मोटिवेशन। तो क्या है भैया मोटिवेशन? अरे मोटिवेशन असली वो है कि बच्चे ने पकड़ बना ली, उस बच्चे का पढ़ाई हो तो पढ़ाई, वो वहाँ मन लग गया, वो बच्चे ने मेहनत करनी शुरू कर दी, दैट इज रियल मोटिवेशन। नहीं तो उसको झूठी मूठी ट्रॉफी, झूठे मूठे नंबर ये दे के उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें रियलिटी समझ में आई होगी। अभी हम लगे हुए हैं, हमने अभी से शुरुआत करी है, धीरे धीरे हम बच्चों को बिल्कुल समझाते हुए चलते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जब बच्चा हमारी एकेडमी से जाए तो वो कम से कम इतनी एजुकेशन लेके जाए, इतनी एजुकेशन लेके जाए कि तक आगे 10वीं 12वीं तक वो मात्रा खाए, ठीक है? बस हमारा ये टारगेट सर रहता है। पेरेंट्स को सर कोई सलाह आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स हैं और जिनका सपना है आरएमएस यूपी सैनिक ऑल इंडिया सैनिक, वो लेट ना करें। हाँ सर, मैं ये आप सेशन को सर लेट ना करें। सही कह दी सर, ये पॉइंट मेरी मेरी जैसे पेरेंट्स से बहुत सारी बात होती है, तो जैसे मैं किसी से कहता हूँ सर सैनिक स्कूल में ले जाओगे आरएमएस में, कहले सर मेरा तो आरएमएस में सपना है। भाई सपना सपना रह जाएगा, सपना हकीकत में कभी भी नहीं बदल पाएगा, सबसे पहले आपको जागना होगा। देखो भाई पेरेंट्स भी हमारे दोस्तों की तरह ही हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों से यही बात कहना चाहूँगा कि सपना सपना ही रह जाएगा, बस उसको हकीकत में लाने के लिए आपको एक्ट करना होगा, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी उसकी तैयारी करानी होगी उसको करानी होगी। क्योंकि बाद में सर क्या होता है, जब एग्ज़ाम के 2-3 महीने फिर उस पर इतना सिलेबस लग जाता है, उसके स्कूल का भी सिलेबस, मिलिट्री का भी सिलेबस, फिर वो बच्चा एकदम से पीछे कट लेता है पीछे। तो हाँ ना, धीरे 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 2-3 घंटे अभी से पढ़ना शुरू करेगा तब जाके वो एग्ज़ाम निकालेगा। ये एक मैराथन है, बहुत बच्चे बैठते हैं 40-50 हज़ार में कंपटीशन में बैठते हैं, 7-8 महीने आरएमएस के एग्ज़ाम को बचे हुए हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है उसको डायल करके, या जो हमारी वेबसाइट पे 9528827121 जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर लो। हमारी पहले ही बताते रहे हैं, हमारी सीट भरती जा रही है, बहुत जल्दी हम 100 एडमिशन्स की सीट को अपनी क्लोज कर देंगे। फिर बस हमें तो अपने बच्चों का सिलेक्शन देना, और इस बार का हमारा टारगेट 100 out of 100 है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते कि वो हो गया इधर से निकाल रहे इधर से निकाल रहे, ना हमारे एकेडमी में 100 बच्चे आएंगे, मैं 100 के नाम भी बताऊंगा और 100 के 100 के हम सिलेक्शन करा के भेजेंगे विद टैलेंट, जो असली कहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल में हमारा हर एक बच्चा कहीं ना कहीं बच्चा सेलेक्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।